आप रिलेशनशिप में रहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जैसे, शादी के पहले कई बार कन्वर्सेशन होते होते एक डीप कन्वर्सेशन चला जाता है जहाँ पर आप जो आपके पिक्चर्स हैं, जो आपके वीडियोस हैं, जो आपके फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो आप शेयर करना भी शुरू कर देते हैं, चाहे वो फेसबुक में हो या व्हाट्सएप पे हो या किसी और मीडियम में। अगर आपने ऐसा किया और जो अपोजिट पर्सन है आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो आप क्या करेंगे? ज़्यादातर उन केसेस में होता है जहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है, थोड़े टाइम के बाद में कुछ पिक्चर्स या वीडियोस आपस में वो शेयर कर लेते हैं। और ये जो कंटेंट होता है ये काफ़ी ज़्यादा एक कहना चाहिए एक न्यूड पिक्चर्स हो गए या वीडियोस, इस तरीके का जो कंटेंट है वो आप शेयर कर देते हैं। अब तभी तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में जो अपोजिट पर्सन है, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड है, सपोज डेट एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं, आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया, अब वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। क्या कहता है? अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये सारी पिक्चर्स या फोटोग्राफ आपके ब्रदर को या आपके फादर को या आपके मदर को या आपके रिश्तेदारों को या आपके दोस्तों को या इंटरनेट में वायरल कर दूंगा। इस तरीके की आपको ब्लैकमेलिंग या धमकियां आती हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी है आज के टाइम पे, बहुत ज़्यादा ये अगर आप ऐसा समझे कि बहुत एक्सेप्शनली हो रहा तो ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे बहुत ऑर्डिनरी हो रहा है। लेकिन जो कर रहा है उसके लिए क्या क्या है कानूनी प्रावधान, यह जानना ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा केस में एज अ रिवेंज की तरह बदले की भावना को लेकर के ऐसा किया जाता है, जहाँ पर शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, रिलेशनशिप एज अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या कुछ भी आप समझ लीजिए, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में जब ये सारी चीज़ें एक एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाती हैं और जब एक दूसरे की मजबूती और कमजोरी से संबंधित सबूत एक दूसरे के हाथ में लग जाते हैं तो एक दूसरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो इस तरीके का जो कंटेंट है, चाहे वो फोटोग्राफ्स हैं या वीडियोस हैं, हम इंटरनेट में या वेबसाइट में या कहीं पर भी आपके पेरेंट्स को वायरल कर देंगे या फ्रेंड्स को दिखा देंगे, इस तरीके की धमकियाँ तो आती होंगी। अब आप क्या करेंगे? बहुत सारे सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं, कई लोग इसमें मर भी जाते हैं इस तरीके की ब्लैकमेलिंग के चक्कर में। क्या करेंगे ये ज़रूरी है, कौन से प्रावधानों के अंतर्गत को किस कानून के अंतर्गत आप करेंगे ये भी उतना ही ज़रूरी है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी धाराएं इस केस में लग सकती हैं अगर आप किसी को पर्टिकुलरली ब्लैकमेल कर रहे हैं। गैर कानूनी है, बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं, 5 से 7 साल तक की सज़ा आपको हो सकती है। किन प्रावधानों के अंतर्गत? सेक्शन 292 इंडियन पिनल कोड पहला, दूसरा सेक्शन 67, सेक्शन 67A, सेक्शन 67B, मतलब सेक्शन 67A(b) इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जी हाँ। और जो टोटल आपको सजा होगी 5 साल से लेकर के 10 साल तक, और फाइन भी आपको यानी जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है अगर आप किसी को इस तरीके से ब्लैकमेल करेंगे तो। इस कंडीशन पर जो ब्लैकमेल हो रहे हैं जनरली वो ज़्यादातर लड़कियां होती हैं इस केस में। हाँ, बच्चों से संबंधित अगर है तो पॉस्को एक्ट लगेगा। इसके पहले एक वीडियो में मैंने पॉस्को एक्ट के बारे में डिटेल में बताया था, वो बच्चों से संबंधित होता है। लेकिन इन जनरल अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैटर है जहाँ पर फोटोग्राफ या वीडियोस, न्यूड वीडियोस से संबंधित अगर ब्लैकमेलिंग हो रही है, एक दूसरे को परेशान किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि इंटरनेट में वायरल कर देंगे या आपके फ्रेंड्स या दोस्त या परिवार के रिश्तेदार या आपके घर वाले माता पिता या भाई बहन को दिखा देंगे या ऐसा कुछ करेंगे, तो इस कंडीशन पर मैंने आपको बताया कौन कौन से सेक्शन, 292 IPC, सेक्शन 67, 67A, 67B इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अट्रैक्ट होगी। अब आपको करना क्या है, अगर आपको कोई ऐसी तस्वीरों के लिए या ऐसे फ़ोटोग्राफ्स के लिए ब्लैकमेल कर रहा, सबसे पहली ऐसे जो कंटेंट हैं, जो मैसेजेस हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे है या डायरेक्ट मैसेजेस हैं या फेसबुक में है या किसी और प्लेटफॉर्म में है, आप इस तरीके के मैसेजेस को डिलीट मत करिए, अपने पास में एज अ सोर्स ऑफ एविडेंस कलेक्ट करके रखिए, इकट्ठा करके रखिए। डिलीट कर देंगे वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एविडेंस, और जब कभी कानूनी आपको मदद लेनी होगी तो आप अपने केस को पुख्ता तरीके से सही तरीके से साबित नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है इन सब चीज़ों से संबंधित, इस तरीके के सारे एविडेंस आपको सुरक्षित रखने हैं, बचा के रखने हैं, बना के रखने, इकट्ठे रखने, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये मैसेजेस ऐसे हैं कि सामने वाला डिलीट कर सकता है,
जैसे एंड टू एंड जो एनक्रिप्शन होता है वहाँ पे जो ऑपोजिट है वो डिलीट भी कर सकता है, उसके पास ये भी कुछ पावर होते हैं ऑनलाइन, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इस कंडीशन पर बेटर है कि उसी टाइम आप स्क्रीनशॉट ले लें या उसे रिकॉर्ड कर लें स्क्रीन मैसेजेस में। तो इस तरीके से अगर आप एविडेंस कलेक्ट कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। ये इस वजह से कि जब आप कंप्लेन केस पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में फाइल करेंगे या लीगल नोटिस भेजेंगे या कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो आपको सबूत के तौर पर वो सारे स्क्रीनशॉट जो आपने बना के रखे हैं जो एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन में एनक्रिप्शन में काम आते हैं, तो आप इन सभी चीज़ों का एज अ एविडेंशियरी वैल्यू कोर्ट के सामने या पुलिस के सामने या साइबर सेल डिपार्टमेंट के सामने पुख्ता तरीके से मजबूती के साथ रख सकेंगे। हमेशा तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक्सपर्ट एडवाइस कुछ भी करने से पहले ज़रूर ले लें। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप खुद को ही तो इंजेक्शन लगा नहीं लेते, तो बेटर है जो उसका जानकार है, जो लॉयर है या फैमिली काउंसलिंग करने वाले लोग हैं या जिसको भी उसके बारे में एक्सपर्टीज़ है, जिसको उसके बारे में जानकारी है, जो लॉ के फील्ड से संबंधित है, उसकी एक बार आप ओपिनियन ज़रूर ले लीजिएगा करने से पहले। वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली गाइड कर सकता है कि क्या इसमें करना है। इसके साथ ही जितना आप चीज़ों को दबाने या छुपाने की कोशिश करेंगे वो आपको अंदर से गिल्ट तो देंगी देंगी, अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगी और वो परेशानी में आप कुछ गलत स्टेप्स भी ले सकते हैं। तो इस वजह से जो आपके अच्छे दोस्त हैं जिनके ऊपर आपको फुल कॉन्फिडेंस है उनके साथ ये शेयर भी करें, और अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ में भी, हालांकि पेरेंट्स के साथ शेयर करना कितना मुश्किल हो सकता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद उनको कॉन्फिडेंस में लेना काफ़ी ज़रूरी है। और पेरेंट्स से भी, अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको अपने बच्चों को समझते हुए उनके ऊपर ज़्यादा नाराज़गी ना करते हुए उन्हें समझना पड़ेगा और उन्हें इस परेशानी इस मुसीबत में साथ देना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो हमेशा आप एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए, तीसरी महत्वपूर्ण बात। और चौथी बात, अपने पेरेंट्स या कोई रिश्तेदार या अपने जो इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स हैं उनसे ज़रूर इस टॉपिक पे बात कीजिए, हो सकता है वो आपको प्रॉपर सजेस्ट कर सकें। अगली बात ये है कि जो कभी भी जो ब्लैकमेलर है वो हमेशा इलीगल आपसे डिमांड करेगा, चाहे हो सकता है पैसे की डिमांड हो या फिज़िकली कुछ डिमांड करे, तो दोनों ही या किसी और तरीके की अगर डिमांड है तो वो डिमांड उसकी बिल्कुल भी आपको फुलफ़िल नहीं करनी है। और जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 इसके पहले मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों से बात करना है, फैमिली मेम्बर से बात करना है, फैमिली मेम्बर्स को भी अपने बच्चों की बात को रखना है, और इसके साथ ही अगर ज़रूरी हो तो लीगल नोटिस भेजें, क्योंकि कई केसेस में हम लोगों ने लीगल नोटिस भेजा और उसमें भी जो ब्लैकमेलर था, जो ब्लैकमेल कर रहा था, उसने कंटेंट को डिलीट कर दिया। तो आप लीगल नोटिस भेज करके भी अपना काम करा सकते हैं, और फिर भी अगर वो नहीं माना तो ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। जो भी ब्लैकमेलर हैं या जो ऐसा करने वाले हैं अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस जाएंगे, 5 से 7 साल तक कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत सजा है। और जो ब्लैकमेल हो रहे हैं उनके पास में क्या ऑप्शन है, पहला जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आपको FIR दर्ज करनी है। FIR किन सेक्शन में, मैंने इसके पहले बताया आपको, उन सेक्शंस में आपको FIR दर्ज करनी है। उसके साथ अगर वो दर्ज ना करें आप साइबर सेल में जाकर के FIR दर्ज कर सकते हैं। साइबर सेल में भी अगर आपकी शिकायत को दर्ज नहीं किया जाता है तो आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 CRPC 1973 का जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वहाँ प्रावधान दिया गया है कि आप डायरेक्टली शिकायत मैजिस्ट्रेट को भी कर सकते हैं। दोबारा से मैं कहना चाहता हूँ, एक तो जो भी मेरे दोस्त हैं आप इस तरीके की गतिविधियों से बचें, आपको फोटोग्राफ वीडियो या इस तरीके की कोई जो एक्टिविटीज़ हैं आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। बट अगर ऐसा कर भी दिया और इस मुसीबत में फंस भी गए, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो आपको अपने बच्चों को सपोर्ट करना है जिससे वो कोई गलत कदम ना उठाएं। अगर आप में से किसी के साथ इस प्रकार की घटना हुई है और आपने उस घटना का समाधान भी किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए कि आपने उस घटना का समाधान कैसे किया है। हो सकता है आप की जिस तरीके से आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की वैसे कोई और भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे और उसे एक सही दिशा या रास्ता मिल सके। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर इस तरीके की परेशानी से आप जूझे हैं तो। आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके साथ ही आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप मुझे बात कर सकते हैं, दिल्ली में भी आप मुझे मिल सकते हैं। इसके साथ ही
हमेशा जो कीमती और महत्वपूर्ण समय आप मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।